देख रहे हैं खबर दिनभर, मैं हूं शेख जूही। रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की ओर। झलावाड़ के जिला जनान अस्पताल में अपने बच्चे का इलाज करवा रही महिला के साथ यहां के एक नर्सिंग कर्मी आरिफ ने अश्लील हरकत और छेड़खानी की थी। हालांकि पीड़िता द्वारा घटना की शिकायत अस्पताल प्रबंधन और पुलिस को करने के बाद आरोपी आरिफ हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जनान अस्पताल में महिला के साथ अस्पताल के ही नर्सिंग कर्मी द्वारा छेड़खानी का मामला तूल पकड़ने लगा है। घटना से आहत सर्व हिंदू समाज ने आज विरोध जताते हुए शहर में वाहन रैली निकाली और मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन दिया। इस दौरान विभिन्न हिंदू संगठनों के दर्जन पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुनिए हिंदू संगठन पदाधिकारी देवेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा। आज यहां पर सर्व हिंदू समाज और ब्राह्मण समाज के अग्रिम संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से माननीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। अभी दो दिन पूर्व जनाना हॉस्पिटल के अंदर एक असामाजिक तत्व जो प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा वहाँ पर जनाना हॉस्पिटल के अंदर कर्मचारी था, उसके द्वारा अभद्रता की गई थी, छेड़छाड़ की गई थी महिला के साथ, उस वाले मामले में कार्रवाई के लिए हमने ज्ञापन दिया। हालांकि उसके अंदर यहाँ के प्रशासन ने पहले ही कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और उचित धाराएं जो लगती हैं वो भी उसके ऊपर लगा दी है और उसको न्यायालय के समक्ष पेश भी कर दिया। हनुमानगढ़ जिले के मकासर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ आदि लगाने की मांग को लेकर ग्राम सरपंच बलदेव सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर धरना लगाया। इस दौरान बीसीएमओ डॉक्टर ज्योति ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश की और आचार संहिता हटने के बाद स्टाफ लगाने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों का कहना था कि काफी समय से चिकित्सालय में चिकित्सक और स्टाफ नहीं है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनको हनुमानगढ़ जिले चिकित्सालय जाना पड़ता है। बीसीएमओ के आश्वासन के बाद धरना समाप्त करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि अगर आचार संहिता हटने के बाद भी स्टाफ नहीं लगाया गया तो वे बड़े आंदोलन करेंगे। सुनिए सरपंच बलदेव सिंह ने क्या कुछ कहा। अगर डॉक्टर की परमानेंट व्यवस्था नहीं की गई तो हम आने वाले टाइम में आचार संहिता के बाद हॉस्पिटल के आगे बैठ के हॉस्पिटल के यहाँ काम ठप करेंगे और सीएमएचओ साहब को यहाँ बुला के ही यहाँ वार्ता करेंगे, यहाँ कलेक्टर साहब के से फरियाद करेंगे। यही वार्ता हमारी आज हुई है और सीएमएचओ यहाँ बुला के करी, हमें आश्वासन दिया है, हम उस आश्वासन पे ही आज यहाँ से धरने पे धरना उठा रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के ग्राम पंचायत हासलिया के सरपंच पति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने आज जिला परिषद सीओ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच नाहिदा परवीन के पति रफीक लोधी ने नरेगा में फर्जी हाजिरी लगाकर कई लोगों की रकम हड़प ली और जल जीवन मिशन में भी बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। ज्ञापन में ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के मामले की जाँच की मांग रखी, जिस पर जिला परिषद सीओ ने जल जाँच करने कि ग्रामीणों को आश्वासन दिया। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि अगर सही जांच नहीं हुई तो वह मामले को मुख्यमंत्री स्तर पर लेकर जाएंगे। सुनिए पूर्व सरपंच भूपेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा। आज हमने सीओ मैडम को ज्ञापन दिया है, जो सरपंच नाहिदा परवीन लोधी के पति रफीक लोधी के भ्रष्टाचार के संबंध में जो भ्रष्टाचारों में लिप्त है इसके बारे में हमने मैडम को अवगत करवाया है, जिसमें उन्होंने नाम चला रखे हैं, जो अरबापति पार्टी है जिसकी जीएसटी फर्म है, प्रीत रेफ्रिजरेटर के नाम से फोर लेन पीलीबंगा पे दुकान है और लगभग 56 बीघा जमीन है, 2 ट्रकों में जमीन है उनकी, 4 LKS ए में और 22 MOD में। उनके नाम मनरेगा में चले हैं, मनरेगा में उनके नाम से घर बैठे पेमेंट उठाई गई है। फिर इनके जो परिवार के लोग हैं, इनकी भाई है सदीक मोहम्मद लोधी और उनकी वाइफ है जन्नत, उनके नाम से जो पेमेंट उठाई गई है, ये भ्रष्टाचार हुआ है उसके बारे में मैंने उनको ज्ञापन दिया है। और दूसरी बात ये है कि जो जेएजएम स्कीम थी सेंट्रल गवर्नमेंट की जल जीवन मिशन, उसमें भ्रष्टाचार उन्होंने खुलेआम किया, ठेकेदारों के साथ मिलकर उन्होंने खुलेआम 2500 रुपये की रसीदे कटवाई है। जिन्होंने 2500 रुपये की रसीदे कटवा ली उनके इन्होंने कनेक्शन करवा दिए, जिन लोगों ने 2500 की रसीद नहीं कटवाई उनके इन्होंने कनेक्शन नहीं किए और आगे लगभग उनसे 1-1.5 किलोमीटर आगे तक पाइपलाइन लेके गए हैं। और मेरे साथ आज ग्रामवासी आए भी हैं, 5 डानियों बिल्कुल पीने के लिए पानी नहीं है और गर्मी के सीजन में इनको 15-15 हज़ार का पानी आए सीजन पानी कैंट डलवाने पड़ते हैं। राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूलों को लेकर लगातार विवाद जारी है। भजनलाल सरकार इसको वापस हिंदी मीडियम में बदलने पर विचार कर रही है। इस बीच इन स्कूलों में आवेदन की अंतिम तिथि 12 मई से बढ़ाकर 15 मई कर दी गई है। राज्य में कुल 3,733 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम के सरकारी स्कूल हैं। राजस्थान के जोधपुर में पंजाब पुलिस के 12 अधिकारियों के खिलाफ 22 वर्षीय युवक को जबरन ले जाने का मामला दर्ज किया गया है। युवक के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।
जिसके बेटे को अफीम तस्करी के झूठे आरोप में फंसाकर गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ पंजाब पुलिस पर 15 लाख रुपए मांगने का भी आरोप लगाया गया है। दिल्ली की कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो के मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता को सोमवार को यह कहते हुए जमानत दे दी कि उन्होंने जांच में सहयोग किया है और उनसे आगे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं। अधिकारियों के मुताबिक अरुण रेड्डी, जिन्हें 3 मई को गिरफ्तार किया गया था, एक्स पर स्प्रिट ऑफ कांग्रेस अकाउंट संभालते थे। दिल्ली की तिहाड़ जेल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जेल प्रशासन की ऑफिशियल आईडी पर ईमेल आया जिसमें तिहाड़ जेल के अंदर बम होने की सूचना दी। ईमेल मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में ईमेल आने की सूचना पुलिस को दी गई। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी गई है। मामले में ईडी द्वारा दाखिल 6ठी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर भी आज सुनवाई टाली गई। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई अब 20 मई को होगी। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट ने बीआरएस नेता के कविता, जनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपी बनाया है। कर्नाटक के कथित अश्लील वीडियो कांड में विधायक एचडी रेवन्ना को किडनैपिंग के मामले में जमानत मिल गई। बता दें कि शहर के आर नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज अपहरण के एक मामले में एसआईटी अधिकारियों ने उन्हें 4 मई को गिरफ्तार किया था। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं पीएम मोदी को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आज खबर दिन भर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।